तो बुलेटिन की शुरुआत व्यापम से जुड़ी हुई खबर के साथ। तो व्यापम घोटाला मामले में भोपाल में सीबीआई ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। और आपको बता दें, सीबीआई ने चिरायू मेडिकल कॉलेज में छापा मारा। सीबीआई के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अकाउंट और डेटा सैंक्शन में दस्तावेज खंगाले। आपको बता दें, इसके साथ ही कॉलेज ने कई अफसरों और स्टाफ से भी पूछताछ की है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में कई स्टाफ बदल चुके हैं, लेकिन पुराने स्टाफ से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। दरअसल सीएसपी रक्षपाल यादव ने सीबीआई को बताया था कि उनके बेटे के एडमिशन के लिए चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक अजय गोयनका ने 35 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद इंदौर के एक दलाल संजीव शिल्पकार ने फोन करके 15 लाख में सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कही थी। सुधीर त्रिपाठी का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए दोस्तों, सभी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। शुरुआत जो है वो चिरायू मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से हुई थी। वहां पे पहले दबिश दी गई, तकरीबन आधा दर्जन सीबीआई के जो अफसर है वहां पहुंचे हुए थे, और उसके बाद फिर अलग अलग टीमें जो है सीआईबी सीबीआई की, वो जो अजय गोयनका है उनके घर और दफ्तर में वो वहां पहुंचे, और उसके बाद फिर जो एसएन सक्सेना है जो विभाग के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनके घर, और उसके बाद फिर कॉलेज के गेस्ट हाउस में भी दबिश दी गई है। तो इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। और जिस तरीके से जो लेन देन की बात आई थी सीट के आवंटन को लेकर, जो रक्षपाल यादव ने जिस तरीके से शिकायत की है और उसमें ये बताया कि उसने 35 लाख रुपए लिए थे, उसी के बाद ये पूरी जांच की प्रक्रिया वो शुरू हुई है। ग्वालियर में भी एक FIR दर्ज हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। जी बहुत शुक्रिया सुदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, भोपाल में सीबीआई ने चिरायू मेडिकल कॉलेज में छापे मारे थे।